उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन निधन प्रस्ताव के बाद सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से मुलाकात की। इसके बाद वह सदन में पहुंचे, जहां निधन प्रस्ताव पर सीएम धामी ने कहा कि आज पूरा सदन दुखी है। सभी ने पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 5 फरवरी से शुरू हुआ विधानसभा सत्र 8 फरवरी तक चलेगा। हम अपने हरदिल अजीज दूरदर्शी साथियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसमें मंगलवार विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के हमारे कद्दावर नेता विधायक स्वर्गीय शरबत करीम अंसारी जी, पूर्व मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी जी, स्वर्गीय पूरनचंद शर्मा जी, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय किशन सिंह कड़ागी जी, स्वर्गीय धनीराम सिंह नेगी जी, इन सभी को आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर हम सब लोगों ने आज सदन की शुरुआत में इसको हमारी सूची में लिया है। और इन सब का जब भी हम स्मरण करते हैं तो किसी न किसी रूप में इनके साथ जो बिताया हुआ समय है, उनका व्यवहार है, उनकी गंभीरता है और समाज के लिए जो उन्होंने योगदान किया है और राज्य को आगे बढ़ाने में राज्य गठन से और राज्य गठन के बाद भी बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं और सबको साथ में लेकर चलने का जो गुण सादगीपूर्ण तरीके से इन सब महानुभावों ने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो किया है वो हम सभी को प्रेरणा भी देता है और उनके बताए हुए जो मार्ग है उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने हरदिल अजीज दूरदर्शी साथियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि